I'm Amit Kilhor, and this is the Polity series to complete Lakshmikant in 100 hours, and this is the lecture number 42 जिसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर को आज कंप्लीट कर लेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको हमने तीन लेक्चर के द्वारा कंप्लीट किया है, 40, 41 एंड दी 42। आज बेसिकली द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद में कानूनों को कैसे पारित किया जाता है, एक बिल को लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू येस्टरडे कि बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू शुड एक्चुअली रीड दी लेक्चर नंबर, पार्लियामेंट का जो चैप्टर नंबर 22 है, उसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में कैसे कानून को पारित किया जाता है, उसको पढ़िए। वो सिर्फ 6 पेजेस का टॉपिक है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिकली ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगेगा लेक्चर। सो मेरी एब्सोल्यूट रिक्वेस्ट है, इन केस यू हैव नॉट रेड इट, तो आप चैप्टर नंबर 22 ऑफ लक्ष्मीकांत पे जाएं और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा का 6 पेजेस है, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। No, I'm serious about it. हम बेसिकली आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं किया तो यू शुड एक्चुअली स्विच इट ऑफ राइट नाउ। नो, वील वेट फॉर यू टू स्विच इट ऑफ बिकॉज देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम 5th या 6th, 7th, 8th क्लास को स्किप करा के सीधा 9th या 10th करने लग जाए तो बेसिकली वो बच्चा कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाता है और ना ही वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ना ही उसका कोई एग्जाम होगा। वाई? क्योंकि बेस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का जो बेस है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है। Until unless हमें वो अच्छी तरह से आता है, ये चैप्टर बेसिकली हवा में से उड़ने के लिए है। तो hence we are not moving, हम नेक्स्ट स्लाइड नहीं मूव कर रहे हैं until unless अगर आपने नहीं किया है तो यू नीड टू स्विच ऑफ दिस वीडियो। आई हैव गॉट ऑल नाइट, मैं इस लेक्चर को 2 घंटे के तक एक्सटेंड करता रहूंगा जब तक आप इसे क्लोज करके वो चैप्टर नहीं, द वीडियो विल बी हेयर। आपको एक्चुअली में कोई करने की जरूरत ही नहीं है। यू शुड जस्ट स्विच इट ऑफ राइट नाउ। और जो लेक्चर जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कराया गया है, या तो आप वो पूरा का पूरा वीडियो देखिए या फिर चैप्टर नंबर 22 ऑफ लक्ष्मीकांत में से जो टॉपिक है उसको पूरा का पूरा कीजिए और हम उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। एल्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे। नो, सीरियसली, यस, स्विच इट ऑफ नाउ। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। बट दैट इज द रूल। अनटिल अनलेस आपने वो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। मेरी भी मेहनत खराब हो जाएगी, आपकी भी मेहनत खराब हो जाएगी। वी आर डन विद इट, राइट? आई थिंक वी हैव डन इट इनफ। ठीक है, जो बचे हुए हैं, जिन्होंने लेक्चर पढ़ा था, जिन्होंने पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किया है, उनके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, आज का जो हमारा चैप्टर, उसमें हमारे सिंपल से 3 टॉपिक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में किस प्रकार से एक बिल जो है वो एक्ट बनता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ओनली बिलोंग्स टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रह जाते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे पास किया जाता है और मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे पास किया जाता है। इसके अलावा हम स्पेसिफिकली कंपैरेटिवली रिलेशन को पढ़ेंगे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल को और फिर विधानसभा में, इसमें क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट का जो पूरा पार्ट है वहां पे फोकस हमें उन्हीं चीजों पे करना है जो कि यूनियन से अलग है। प्राइमरली दे आर मोर और लेस कॉपी पेस्टेड चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे, बस डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करना है। सिमिलरली मनी बिल को भी लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस जो कि यहां पर डिफरेंशिएट करता है, इस बारे में देखेंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की आखिर क्या पोजीशन है, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों है, क्या एक्चुअली में इसकी कोई जरूरत होती है या फिर इट इज अ व्हाइट एलिफेंट। इट इज बेसिकली एक ऐसा खर्चा है जो कि एक्सचेकर भरते तो है लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दैट। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल पे स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। वेन एवर वी रीड पार्लियामेंट तो हमें मोर और लेस ऐसा दिखता है कि राज्यसभा और लोकसभा जो है उनका बराबर का औहदा है। दे आर ऑलमोस्ट इक्वल विद ईच अदर, राइट? सेम राइट्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। सेम राइट्स और ड्यूटीज और जो पावर्स है वो लोकसभा की है, ऑलमोस्ट सिमिलर राज्यसभा की है। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जिसमें लोकसभा ओवर पावर करती है राज्यसभा को, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मनी बिल के बारे में, राइट? बाकी वरना दोनों के पास एग्जैक्ट इक्वल पावर्स है और दोनों का एग्जैक्ट इक्वल सिचुएशन है। दिस सिचुएशन इज वेरी क्लियरली नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें से सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद ऑलमोस्ट 22 स्टेट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जिनमें है उनको भी अगर जरूरत पड़े तो कभी भी हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। टेक्निकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्लियर कट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सुपीरियर इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में है। यू कैन अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मोर ऑफ ए डिस्कशन और एडवाइजरी बॉडी। राज्यसभा इक्वल है, बिल्कुल लोकसभा के इक्वल है, इंडीड फेडरलिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हटाया ही नहीं जा सकता। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मोर और लेस एन एडवाइजरी बॉडी, जरूरत पड़ने पर इसे हटा दिया जाता है और हर मामले में लेजिस्लेटिव असेंबली इसको ओवर पावर करती है। लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी बिल के साथ स्टेट लेजिस्लेचर में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें स्टेट लेजिस्लेचर, उनमें जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती ही नहीं है, राइट, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट्स। एक ही हाउस है तो जो भी बिल होगा उसी में ओरिजिनेट होगा। जैसे ही वो उसको पास कर देंगे सिंपल मेजोरिटी से, सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, एक दो होते हैं कुछ स्पेशल मेजोरिटी से स्टेट असेंबली में, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, बिल जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर साइन कर देंगे, बिल एक्ट बन गया। दैट इज द लिटरल स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसेस, इतना ही सिंपल है। यू कैन एक्चुअली गो होम राइट नाउ। और अब हम स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हमें एक्चुअली में काउंसिल और असेंबली के बीच का जो रिलेशन है उसको फोकस करना है, राइट। क्या होता है ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में? ऑर्डिनरी बिल्स किसी भी हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है, ठीक है। देखो समझ गए ना, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक ही है तो वहां पर तो डिबेट खत्म हो गया कि कहां ओरिजिनेट करेगा। लेकिन जिनमें दो है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो इसमें से किसी भी हाउस के अंदर कोई भी ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है। अ बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय ए मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। समझ गए भाई, इस असेंबली के अंदर कुछ एमएलए इलेक्ट हुए हैं और ये एमएलए मिलकर बना रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड है चीफ मिनिस्टर। तो इन सब को, चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा जाता है मंत्री। इनके अलावा जो बाकी एमएलए हैं विधानसभा में, दे आर दी प्राइवेट मेंबर, वो अदर मेंबर होते हैं। तो इस बिल को दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मंत्री यानी कि सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई और प्राइवेट यानी कि अपोजिशन भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कहने का असली अर्थ यह हुआ। बिल की तीन स्टेजेस होती है ओरिजिनेटिंग हाउस में, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल का टाइटल बताया जाता है विधानसभा के अंदर, ठीक है। सेकंड रीडिंग, क्लॉज बाय, सबसे डिटेल्ड डिस्कशन, सिर्फ क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है बिल के बीच में, हर एक क्लॉज के बारे में डिस्कशन होता है, ओके। एंड द थर्ड रीडिंग मोर और लेस बेसिकली उसकी वोटिंग होती है। थर्ड रीडिंग का मतलब यह है कि बेसिकली अब इसको पास कर दिया जाता है एक वोट के बाद। आफ्टर दिस इट इज डन, दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, राइट। जैसे कि अगर असेंबली ने किया था तो काउंसिल में चला गया, अगर काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ था तो बेसिकली असेंबली में चला गया। एंड देयर इट विल फॉलो द सेम प्रोसेस, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ठीक है। अगर दोनों ने पास कर दिया, ठीक है, असेंबली ने पास किया था, भेज दिया काउंसिल के पास, काउंसिल ने पास कर दिया तो चला जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर साइन कर देंगे, बिल बन गया एक्ट। काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ था, असेंबली के पास भेजा, असेंबली ने पास कर दिया, भेज देंगे गवर्नर के पास, बिल पे गवर्नर साइन कर देंगे, द बिल विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। ये सिचुएशन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। द कंफ्यूजन विल कम जब एक हाउस मना कर दे, राइट। अच्छा, अब यहां पर फोकस करते हैं मजेदार वाली बात पे। देखिए, आफ्टर द बिल इज पास बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, इट इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस, दूसरे हाउस को भेज दिया। अगर दोनों ने पास कर दिया, अ बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड व्हेन बोथ द हाउसेस हैव अग्रीड टू इट, ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। यूनिकैमरल में कोई ज्यादा डिबेट ही नहीं है, जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती है बिल सीधा गवर्नर के पास चला जाता है। लॉजिकल है, अगर असेंबली ने पास कर दिया तो फिर किस चीज की वेट होगी अब, सो देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। दूसरे हाउस, जब बिल दूसरे हाउस में पहुंचता है तो होता क्या है, दूसरे हाउस में पहुंचने के बाद सेम प्रोसेस है, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, ठीक है। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो चार ऑल्टरनेटिव है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर जिसने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, लोकसभा और राज्यसभा में ना इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया सेम प्रोसेस, राज्यसभा से पास किया लोकसभा से सेम प्रोसेस। दिस डजंट हैपन इन द स्टेट। स्टेट में यहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी। दीज आर दी फोर थिंग्स। एंड अपोजिट होता है, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल से असेंबली जाता है तो उसके पास अलग ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले काउंसिल के पास गया तो उन्होंने बिल को पास कर दिया, ठीक है, जैसा बिल आया था वैसा ही पास कर दिया, खत्म, ये तो बिल बन गया एक्ट, इस पर गवर्नर के साइन बाकी है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ही में काउंसिल में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द असेंबली फॉर रिकंसीडरेशन। बिल आया था, कुछ अमेंडमेंट्स करती है काउंसिल और उन्होंने असेंबली के पास वापस भेज दिया। ठीक है, अगर असेंबली ने उन अमेंडमेंट्स को मान लिया तो बेसिकली बिल पास, ठीक है, मान लिया तो फिर वो एक्ट बन गया। लेकिन अगर नहीं माना तब क्या होता है? दूसरा, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, काउंसिल ने बोला कि हमें रिजेक्ट कर दिया। इट में नॉट टेक एनी एक्शन, दस कीप द बिल पेंडिंग, ठीक है, बिल को अपने पास ही रख के बैठ गए। में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर में एक बात ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कभी ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है डेडलॉक। डेडलॉक हो जाता है, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने नहीं पास किया, इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग करनी पड़ती है। स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में डेडलॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। आइए, अगर काउंसिल पासेस द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, और असेंबली एक्सेप्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द काउंसिल, तब तो भाई बिल बन गया लॉ। ये दोनों की दोनों जो सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों में सिचुएशन में बिल बन गया एक्ट। कोई डिबेट ही नहीं हुआ, डिस्कशन ही नहीं हुआ, बिल भेजा था, पास कर दिया, उन्होंने बोला अमेंड करना है, असेंबली बोली कर लो, खत्म हो गया। अब सवाल आता है कंफ्यूजन, इफ असेंबली रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट, इन्होंने अमेंडमेंट के रिजेक्शन करके भेजी, ठीक है, मेरे पास बिल विद रिटर्न टू असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन, अमेंडमेंट करके भेजी है इन्होंने सेकंड सिचुएशन में। अब असेंबली ने बोला कि नहीं, हमें आपकी अमेंडमेंट नहीं माननी है, ठीक है। लोकसभा अगर ऐसा करती है, लोकसभा अगर राज्यसभा की अमेंडमेंट नहीं मानती है तो उसको दूसरी सिचुएशन पर होती है। इसमें क्या होगा, काउंसिल या रिजेक्ट कर दिया काउंसिल द बिल, काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 months, देन द असेंबली मे पास द बिल अगेन एंड ट्रांसमिट द सेम टू काउंसिल। कहने का क्या मतलब हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर काउंसिल ने अमेंडमेंट भेजी है तो असेंबली उसको क्या नाम है रिजेक्ट कर सकती है। अगर उनकी अमेंडमेंट्स नहीं माने और सपोज करो कि वो बिल को लेके बैठ जाए, काउंसिल पास ही ना करे, तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए एक्शन नहीं ले सकती है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाएगा कि काउंसिल ने पास नहीं किया। ऐसी सिचुएशन के बाद असेंबली कैन सेकेंड फिर दोबारा से पास कर सकती है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन दी पार्लियामेंट। दोबारा से पास करने के बाद अब काउंसिल के पास कोई स्पेस नहीं रहेगा, बिल विल बी कंसीडर्ड अ पास बिल, ठीक है। इफ द काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन, पास द बिल, अमेंडमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल विद इन 1 month, देन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज इन द फॉर्म व्हिच हैज बीन पास्ड। कहने का क्या मतलब है, कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिचुएशन यह है कि असेंबली ने बिल पास किया और उसको भेज दिया काउंसिल के पास, काउंसिल ने उसको पास कर दिया, बिल एक्ट बन गया। काउंसिल के पास 2 ऑप्शन है, काउंसिल बोला कि इसमें अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट करने के बाद 2 अमेंडमेंट के ऑप्शन है। अमेंडमेंट को यस कर दिया असेंबली ने तो ये बिल बन गया एक्ट। अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया असेंबली ने, ठीक है, अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, काउंसिल के पास बिल आया था, वो 3 months तक उन्होंने उसको पास नहीं किया स्पेसिफिकली, ठीक है, उसको पास नहीं किया 3 महीने तक। ऐसी दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में असेंबली कैन पास द बिल सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम बिल को पास कर देंगे दोबारा से भेजा जाएगा काउंसिल के पास। काउंसिल अब अमेंडमेंट दे ना दे उसको असेंबली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकती है। और अब इसको 3 महीने का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 महीने का समय मिलेगा, ओनली 1 month। और 1 month तक अगर काउंसिल ने पास नहीं किया तो बिल वुड बी कंसीडर्ड पास बाय द असेंबली। कहने का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसिल कैन डिले द बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली फॉर 4 months, उससे ज्यादा नहीं। व्हेन इट कम्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर कोई भी एक हाउस पास ना करे तो डेडलॉक है वो, इट इज कंसीडर्ड अ डेडलॉक। अब वो बिल पास नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस ज्वाइंट सेशन ना बैठ जाए, याद रखिए। तो ऐसी सिचुएशन में काउंसिल में नहीं होता है, काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, अमेंड कर दिया, स्टेट असेंबली उसी बिल को दोबारा पास कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। और दोबारा पास करने के बाद काउंसिल के पास बस 1 महीना और बचता है, या तो पास कर दो, अमेंडमेंट सजेस्ट करनी है तो देख लेंगे हम, नहीं देखोगे तो ये बिल पास ही माना जाएगा। दोनों तरीके से सिर्फ डिले कर सकती है 4 महीने के लिए। देयरफॉर बेसिकली अगर बात की जाए, ऑर्डिनरी बिल की जो पावर है वो मोर और लेस असेंबली के पास है। एट मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन और डिले द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। पहली बारी में 3 महीने तक रोक सकती है और दूसरी बारी में बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रोक सकती है। बियॉन्ड दैट काउंसिल डजंट हैव एनी मोर पावर, ज्यादा पावर उनके पास, काउंसिल के पास थोड़ी बहुत पावर है ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। इट कैन इंट्रोड्यूस द बिल, जरूरत पड़ने पर ये बिल इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और अगर इन्होंने पास कर दिया और असेंबली ने पास कर दिया तो बिल क्लियर कट बिल लॉ भी बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा की होती है। ऑन द अदर हैंड लोकसभा और राज्यसभा का बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग है। मोर ओवर When a bill which has originated in the council and was sent to the assembly is rejected, the bill ends and become dead. मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा तो इक्वल है, तो इक्वली फ्लो कर रहा है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हो, लोकसभा में सेम प्रोसेस लोकसभा से। हालांकि यहां पर नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक बिल ओरिजिनेट हुआ है और वो गया है असेंबली के पास, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो खत्म, गेम ओवर दी एंड। अभी जो हमने डिस्कस किया वो असेंबली से काउंसिल का क्या प्रोसेस, फिर काउंसिल के पास जो चार ऑप्शन होते हैं वी हैव फिगर्ड आउट, उसमें भी उनके पास अधिक पावर नहीं है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, चॉइस है असेंबली की मानने की, 3 महीने तक डिले कर सकते हैं, उसके बाद पास करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने नहीं मानी कोई भी बात, अमेंडमेंट इनकी नहीं मानी असेंबली ने, असेंबली दोबारा से पास कर सकती है उस बिल को चाहे तो, और दोबारा से बिल पास कर दिया तो फिर इनको करना ही पड़ेगा। द काउंसिल हैज बीन गिवन मच लेसर सिग्निफिकेंस एज फार एज द, जैसे कि राज्यसभा के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो। जब दोनों हाउस बिल पास कर लेते हैं तो बिल को बेसिकली गवर्नर के पास भेज दिया जाता है, और ये सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ जो है, ठीक है, दोनों की दोनों सिमिलर है। गवर्नर के पास बिल चला जाता है जब भी एक, अगर सिंगल हाउस है तो सिंगल हाउस, दोनों हाउस है तो दोनों ने पास कर दिया। एंड व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, गवर्नर के पास ऑप्शन क्या है, ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, साइन कर दिया बिल के ऊपर, बिल बन गया है लॉ। ही मे विद होल्ड हिज एसेंट, बिल को रख दिया है, साइन नहीं कर रहे हैं। ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, दोबारा से बिल को वापस भेज सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, या फिर दोनों, मतलब अगर दोनों है तो दोनों को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा स्पेसिफिक ऑप्शन जो कि प्रेसिडेंट में नहीं, चौथा जो कि प्रेसिडेंट में नहीं होता है, गवर्नर में होता है, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, अभी हम इन तीनों को देखते हैं। गवर्नर ने एसेंट दे दिया तो बिल बन गया, गवर्नर विदहोल्ड करके बैठ गया तो वो बिल एक्ट कभी भी नहीं बनेगा, और अगर गवर्नर ने बिल को रिटर्न कर दिया है रिकंसीडरेशन के लिए, और अगर हाउस, दोनों हाउस ने मिलकर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अकेले ने मिलकर उसको पास कर दिया है, उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट किया गवर्नर को, द बिल ही विल हैव टू साइन, ही इज बाउंड टू साइन इट, ठीक है, दोबारा उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज दिया। सेम सिचुएशन एग्जिस्ट विद द प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा जब बिल को पास कर देते हैं एंड व्हेन इट गोस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक बार ऑप्शन मिलता है उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेजने का, इन केस वो रिकंसीडरेशन के बाद वापस बिल को भेज दिया उन्होंने राज्यसभा लोकसभा ने, ही हैव टू साइन इट। द सेम थिंग हैपेंस विद द गवर्नर, गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल इफ द बिल इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड। एक चौथी सिचुएशन जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के साथ कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ना कि प्रेसिडेंट, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए होल्ड पे ला सकता है, यानी वो बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। जैसे ही गवर्नर बिल प्रेसिडेंट को भेजता है, गवर्नर का काम खत्म, उसमें अब उसके बाद गवर्नर का कोई नहीं रोल रहता है, व्हाट कैन प्रेसिडेंट, ठीक है। जब बिल को रिजर्व कर दिया गया है फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या तो उसको एसेंट दे सकते हैं, अगर एसेंट दे दिया तो डन है, बिल बन गया, गवर्नर की बजाय प्रेसिडेंट दे दिया, गवर्नर का रोल नहीं रहेगा इसमें, उसमें प्रेसिडेंट के ही साइन होंगे दोबारा से। और विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, विदहोल्ड अगर कर देंगे तो सस्पेंसिव वीटो है, वो बिल बेसिकली एक्ट कभी नहीं बनेगा। एंड द थर्ड वन, रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब यहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को बिल वापस भेजा, ठीक है, और सपोज कीजिए बिल इज सो रिटर्न द हाउस और हाउसेज हैव टू रिकंसिडर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। बिल को अगर दोबारा प्रेसिडेंशियल एसेंट के पास भेजा गया, हाउस ने फिर भी नहीं माने, पास करके वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, सवाल यह है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन्ड नहीं है कि जब स्टेट बिल को रिकंसीडर करके दोबारा पास कर दे और प्रेसिडेंट को पास भेजे तो प्रेसिडेंट को साइन करने हैं या नहीं करने हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट है कि अगर रिकंसीडरेशन के पास बिल आया है द प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। स्टेट लेजिस्लेचर में इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन whether it is obligatory on the part of the president to give his assent to such a bill or not। अब ऐसे इश्यूज कभी ना इकट्ठे हुए नहीं है, मतलब आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा हो और स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस भेज दे। ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है कि तुम प्रेसिडेंट को, इट्स लाइक चैलेंजिंग द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट ने किसी बात को मना किया है और उसके बाद एक राज्य है जो कि मान नहीं रहा है इस बात को, तो ऐसी डिसरिस्पेक्ट कोई राज्य करता नहीं है। हावेवर इन अ सिचुएशन कि राज्य ने सपोज कीजिए उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेट्स से देयर वाज अ पॉलिटिकल कॉम्प्लेन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थी और उन्होंने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। अब अगर प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करे ना करे, अगर ऐसी सिचुएशन है देन दे विल एक्चुअली द पार्टी, बोथ द पार्टीज विल, द स्टेट विल हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू फिगर आउट कि ये सच है, अब ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। टिल नाउ अभी तक नहीं है, तो मोर और लेस आप पढ़ेंगे कहीं पे तो आपने कई जगहों पर ये मेंशन्ड ही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, कई जगहों पर सीधा यही, लक्ष्मीकांत में ही 1-2 जगह पर मेंशन्ड है, ये सीधा ये लिखा होता है कि जब रिकंसिडरेशन के बाद जाता है बिल प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट कैन स्टिल फॉलो दिस सेम रूल्स अगेन, ही कैन स्टिल विदहोल्ड हिज एसेंट, ठीक है। तो समझ के रखिएगा, क्वेश्चन में पहचान लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं है। अब ऑर्डिनरी बिल का ये प्रोसेस है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मनी बिल पे आ जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में भी क्लियर है कि लोकसभा इज सुपीरियर इन द मनी बिल, राइट, उसमें क्लियर कट है। ओरिजिनेट ही नहीं हो सकता राज्यसभा में मनी बिल, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, और मिनिस्टर्स के अलावा कोई मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे रूल सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई होते हैं, एग्जैक्टली सेम। जो राज्यसभा और लोकसभा का रिलेशन है वो यहीं पर मनी बिल से रिलेटेड, इसमें कोई बदलाव नहीं। ऑर्डिनरी बिल में थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें कोई भी नहीं है, इट्स द सेम सिचुएशन। देखिए स्पेशल प्रोसीजर है, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी तो स्टेट्स में कंफ्यूजन है नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली है वही कर रहे हैं, जिनमें यूपी बिहार हो गया, अपना महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया, 6 स्टेट्स हैं। इनमें काउंसिल तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। दूसरा, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ये बात हम जानते हैं, वो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर आता है, नॉट अ डाउट अबाउट इट। नाउ every such bill is considered to be a government bill and can only be introduced by a minister. After a money bill is passed, legislative assembly, ये legislative council को transmit किया जाता है, तो लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा को पास कर दिया जाता है। और सेम सिचुएशन है, council has restricted powers with regard to money bill. Similarly, राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ना रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है, और 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी है। अगर 14 दिन में पास नहीं करोगे तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि तुमने पास कर दिया। दोनों सिचुएशंस में, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इट कैन मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, और पास करो ना करो 14 दिन के अंदर हमने मान लेना है कि तुमने पास कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मन है, श्रद्धानुसार है, कोई एडवाइस दे सकते हैं, असेंबली ने पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो उनकी श्रद्धा है। लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई रिकमेंडेशन को मान ले तो भाई बिल हो गया पास, कुछ नया नहीं करना है, मान लिया रिकमेंडेशन, ठीक है बिल हो गया। अगर नहीं माने तो भी बिल हो गया पास, दोनों सिचुएशन में बिल पास ही होना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, बिल हो गया पास, तीनों सिचुएशन में बिल को पास किया जाएगा। तो क्लियर कट, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मोर पावर्स देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिगार्ड टू मनी बिल। इंडीड लिटरली सेम कॉपी पेस्टेड पावर्स जो है मनी बिल के रिगार्ड में लोकसभा और राज्यसभा के भी है। राज्यसभा रिकमेंडेशन भेज सकता है, मान ली तो पास, नहीं मानी तो भी पास, और 14 दिन में पास नहीं किया राज्यसभा ने तो भी बेसिकली पास। देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज द मनी बिल इज कंसर्न, ठीक है। जब मनी बिल गवर्नर के पास प्रेजेंट होता है, अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ही मे गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड हिज एसेंट और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सिचुएशंस में से पहली, दूसरी और चौथी एग्जिस्ट करती है, थर्ड वाली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते और गवर्नर भी मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। फर्स्ट और टू में गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड इज एसेंट। अब मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि ये विदहोल्ड इज एसेंट ना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है कि मनी बिल के ऊपर, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की 3 पावर है। कौन कौन सी भाई, गिविंग हिज एसेंट, विदहोल्डिंग इज एसेंट और सेंडिंग इट फॉर रिकंसीडरेशन। मनी बिल में क्या है, 2 ही पावर है, गिविंग हिज एसेंट और विदहोल्डिंग हिज एसेंट, ठीक है। ये बस प्रीलिम्स के क्वेश्चन की नजर है। और सेम विद द गवर्नर, सेम पावर है 3 की 3, एक चौथी पावर होती है, रिजर्व में रख सकते हैं किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पर भी वो अप्लाई होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नर या तो सिर्फ एसेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड एसेंट कर सकते हैं। तो ये विदहोल्ड वाला जो है इसके अंदर ट्रिक है, इसके अंदर ट्रिक ये है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली, राइट। तो इसका मतलब जब उनसे पूछ के ही बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो एसेंट क्यों ना देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है कि वो विदहोल्ड करे मनी बिल का एसेंट, हाईली इरेगुलर। इंडीड खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि बिल बना के भेजी है, बाई चांस से बिल के पास होने के समय में कुछ ऐसे बदलाव हो चुके हैं पॉलिटिकल कि वो खुद मना कर दे कि सर रहने देना, तभी हो सकता है। तो ही हैज, तब उसको बोल सकते हैं कि सर साइन मत करो, विदहोल्ड योर एसेंट। एक ही सिचुएशन नॉर्मली गवर्नर गिव्स हिज एसेंट्स, क्यों, क्योंकि उसकी परमिशन के द्वारा ही आया है ना। व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व्ड फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब यहां पर देखो एक प्रेसिडेंट, चौथे वाले सिचुएशन में प्रेसिडेंट मे ईदर गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड हिज एसेंट बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसीडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मनी बिल की इंपॉर्टेंस समझिए कि प्रेसिडेंट को भी पावर नहीं दी गई है इस बारे में। गवर्नर अगर रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है तो प्रेसिडेंट भी रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास बस 2 ही ऑप्शन रह गए, या तो एसेंट दे दे या विदहोल्ड हिज एसेंट करे, विच इफ यू थिंक अबाउट इट इज वेरी वियर्ड। देखिए द सेम पावर इज विद द गवर्नर, अगर गवर्नर ने एसेंट दे देना है, ठीक है, तो फिर उसको रिकंसीडर के लिए, उसको वो रिजर्व नहीं करेगा प्रेसिडेंट के लिए। और अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो फिर गवर्नर को कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको रिजर्व पे रखने के लिए। और अगर प्रेसिडेंट विदहोल्ड इज एसेंट कर सकता है तो द सेम सिचुएशन एक्चुअली एग्जिस्टेड विद द गवर्नर ऑल्सो। सो काइंड ऑफ रिडंडेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात हमारे फोर फादर देखना भूल गए। इसको ना कंपैरेटिवली देखते हैं। अगेन जैसा कि मैंने बताया कि जो मनी बिल है विद रिगार्ड टू मनी बिल्स सब कुछ एब्सोल्युटली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम प्रॉब्लम्स है, सेम टू सेम सिचुएशंस है। रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल थोड़ा सा कम है। अगर आपको इसका फॉन्ट दिख नहीं रहा है तो पहले तो अपनी लक्ष्मीकांत की किताब में इस चैप्टर को खोल लीजिए, टेबल वहीं पर बनी हुई है, और नहीं है तो मैं खुद बोल के बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। सेम चीज़ का रिवीजन है जो कि मैंने पहले किया था, अभी जो बोला उसी चीज़ को हम समराइज करेंगे। ऑर्डिनरी बिल ये पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर, भाई किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, कोई भी कर सकता है, मंत्री कर सकता है, दोनों में सेम है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग दोनों हाउसेज में सेम टू सेम होता है, सेम हैपन्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ये तभी पास होता है जब दोनों के हाउस इसको पास कर देते हैं, इट इज ऑब्वियसली पास जब दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाता है तभी बिल को पास माना जाता है। अब आते हैं डिफरेंसेस, पहले 4 पॉइंट थे सिमिलर, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनरी बिल। नाउ देयर इज डिफरेंसेस। अगर लोकसभा या राज्यसभा में से एक हाउस पास नहीं करता है तो इस चीज को कहते हैं डेडलॉक। अब यहां पर ए डेडलॉक बिटवीन आ जाता है और डज नॉट पास बिल विद इन द 3 मंथ्स, लेकिन इस चीज को डेडलॉक नहीं कहा जाता है। क्यों, मैं बताता हूं। जब पार्लियामेंट में डेडलॉक होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। इसका सिंपल तरीका यह होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को दोबारा पास कर देती है, यानी कि टेक्निकली डेडलॉक है नहीं, क्योंकि पावर तो पूरी की पूरी असेंबली के पास है। डेडलॉक तभी हो सकता है ना जब दोनों के पास इक्वल पावर्स हो और दोनों के दोनों अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो, दैट इज नोन एज डेडलॉक, कि ये वहां जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, राइट, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हैंस द डेडलॉक। वेयर एज अगर एक ही के पास पावर हो, पावर सारी की सारी इसके पास है, तो ये किसी को कहीं पर भी घुमा सकता है, तो डेडलॉक उसको एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा इन पासिंग द बिल फॉर द सेकेंड टाइम और वाइस वर्सा। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ओवरराइड कर देगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बिल को दोबारा पास करके। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकती ऐसा। मैकेनिज्म यह है कि रिजॉल्विंग ऑफ द डेडलॉक अप्लाइज टू अ बिल, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो चाहे राज्यसभा में, ज्वाइंट सिटिंग होगी होगी। यहां पर मैकेनिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस बिल पर अप्लाई होता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जनरेट हुआ। अगर काउंसिल में बिल ओरिजिनेट हुआ था और लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो बिल खत्म ही हो गया, इट डजंट बिकम अ लॉ। सो द सिचुएशन हम सिर्फ एक ही सिंगुलर डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। जब असेंबली में हुआ था ओरिजिनेट, इन्होंने पास कर दिया, अब काउंसिल पास करने को तैयार नहीं है तो क्या होगा, 3 महीने बाद इसको दोबारा पास कर देंगे, उसके बाद उसको 1 महीने का समय और मिलेगा, एंड विद इन 4 मंथ्स द बिल विल बिकम। मनी बिल इट्स एग्जैक्टली द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है, काउंसिल में नहीं। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, गवर्नर की रिकमेंडेशन होना चाहिए, सिर्फ मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। सेम थिंग, काउंसिल ना रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है, और दैट ऑल्सो विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज में नहीं पास करोगे तो हम पास किया हुआ मान लेंगे। लोकसभा माने ना माने, रिकमेंडेशन को मान ली ना मानी, मतलब कंप्लीट फुल फ्लेजेड अपनी अथॉरिटी है। सेम विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा ने सारी रिकमेंडेशन मान ली तो भी बिल पास है, लोकसभा ने ना मानी तो भी बिल पास है, 14 दिन पास हो गए तो भी बिल पास है। राज्यसभा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऐसे में कोई डेडलॉक नहीं होता है। मनी बिल का डेडलॉक हो ही नहीं सकता, राज्यसभा का पावर क्या है, या तो राज्यसभा पास कर देगी और अगर पास नहीं करेगी तो 14 दिन में पास किया हुआ वैसे ही मान लेना है। और अमेंडमेंट कर सकते नहीं हो, सजेस्ट कर सकते हो, जो कि माननी है या ना माननी वो लोकसभा के ऊपर है। तो डेडलॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता मनी बिल पे। अच्छा सा क्वेश्चन है कि डेडलॉक मनी बिल पे हो ही नहीं सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे और ऑर्डिनरी बिल पर हो सकता है डेडलॉक, डजेंट हैपन ऑन दी मनी बिल। सिमिलरली इसमें जरूरत नहीं पड़ती है ज्वाइंट सिटिंग की, इसमें भी, इसमें ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक नहीं है तो इसमें कहां पे डेडलॉक होगा, राइट, वी आर क्लियर अबाउट इट। सवाल ये है कि एक्चुअली में अगर तुम देखोगे इस चैप्टर का, जो स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चैप्टर है। अगर कहीं पे हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब बिल्कुल सरल है, देयर इज नो न्यूएंस इन्वॉल्वड इन दिस चैप्टर। सिर्फ और सिर्फ हमें जो पढ़ना पड़ता है वो स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल की वजह से चैप्टर पढ़ना पड़ता है, वरना ये 2 पन्ने का चैप्टर था पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी क्यों हुई है, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो रीजन फॉर इट, मतलब सच्ची दिल से पूछो तो पूछो कि कोई रीज़न नहीं है। अकेडमिकली अब वो ये आंसर लिखने के लिए और पन्ने भरने के लिए तो हमने कुछ कुछ अपने पॉइंट्स बना रखे, ठीक है। अब ऐसे में जो पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में पन्ने भरने की बात है यहाँ पर कि किस स्पेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का इक्वल ओहदा है, किन किन स्पेस में ये इक्वल है एंड वेयर इट इज अनइक्वल। देखा तो है अभी हमने कई सारी अनइक्वल चीजें तो देखी हैं एंड मोर और लेस व्हाट इज इट, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इज देयर एनी। वैसे तो इसको क्रिटिक कहते हैं कि वाइट एलिफेंट है, फालतू की लग्जरी है ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो आदमी इलेक्ट नहीं हो पा रहा है उसको कभी कभी पॉलिटिकल में कुछ स्पेस देने के लिए, कुछ कंसोलेशन प्राइज देने के लिए उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठा देते हैं इनकेस। तो इसके क्रिटिक एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली देयर इज नो टेक्निकली कोई नीड नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे बिल पास करने में इसका कोई रोल है ही नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल की पूरी पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, काउंसिल का उसमें रोल ऑलमोस्ट जीरो है। ऑर्डिनरी बिल में भी एक्सेप्ट द 4 months डिले द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज नो रोल टू प्ले। सो टेक्निकली इट डजंट, मतलब इसका बस ऐसे ही है, देयर इज नो अदर रीजन फॉर इट, बट ठीक है। अब क्या है कि अब जहां जहां बनी हुई है 6 स्टेट्स में वहां पर इक्वल स्पेस कहां पर मिलता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, इसको एक पावर है कि ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, मेक सेंस। कुछ लोग हैं अगर बाई चांस वो इलेक्ट नहीं होकर आते हैं, क्योंकि इसमें नॉमिनेट भी हो सकते हैं, इसमें टीचर्स के कुछ स्पेसिफिकली टीचर्स के नाम से भी मतलब टीचर्स ही वोट करते हैं, ग्रेजुएट ही वोट करते हैं, तो कुछ इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए कुछ इंटरेस्ट का कभी कभी फायदा हो सकता है अगर वो लोग बैठ के काम करें और ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। असेंबली को पसंद आ गया तो पास भी हो जाएगा, इक्वल है, यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनेंस अप्रूवल इन 6 स्टेट्स में, ये सिर्फ 6 स्टेट्स पर है, बाकी पर अप्लाई नहीं हो रहा, ओनली 6 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, बिहार हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया हमारा, कर्नाटका हो गया हमारा, तेलंगाना हो गया और हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, राइट, इनके अलावा नहीं। ऑर्डिनेंस अप्रूवल इन 6 स्टेट्स में अगर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसको अप्रूवल जो होता है, जब बेसिकली सभा बैठेगी दोबारा से, सेशन होगा जब स्टार्ट स्टेट लेजिस्लेचर का, तो अप्रूवल में दोनों हाउसेज उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, उनसे भी पूछा जाता है, ठीक है। सीएम एंड मिनिस्टर्स कैन बी मेंबर, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है और वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। सिमिलरली जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो सकते हैं और काउंसिल के भी मेंबर हो सकते हैं। अब आप समझिए इस कॉन्टेक्स्ट को, एक करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में हमारे अभी अभी एक नए मुख्यमंत्री बने थे मार्च में, ठीक है, तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है मुख्यमंत्री से। क्यों, देखिए इसलिए बताते हैं। जो तीरथ सिंह रावत जी थे, तीरथ सिंह रावत, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे 10 मार्च 2021 को, परंतु ये एमएलए नहीं थे, तो इनके पास 6 महीने का समय था। ये हम जानते हैं ना कि आप अगर मेंबर नहीं भी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के, लोकसभा राज्यसभा के, आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। 6 महीने का समय था, यानी इनको 10 सितंबर से पहले पहले इनको मंत्री बनना था। अब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोरोना की वजह से कोई बाईपोल नहीं हो सकते हैं, तो जब सितंबर तक बाईपोल नहीं हो पाएंगे तो वो इलेक्ट नहीं हो, तो वो इलेक्ट ही नहीं हो सकते असेंबली में, हेंस दिस विल क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हेंस ही पुट हिज रेजिग्नेशन और दूसरे कैंडिडेट को बना दिया गया। लेकिन अगर उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती तो फिर ज़्यादा समस्या की बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि फिर उनको नॉमिनेट करके भी भेजा जा सकता था, इलेक्शंस की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं थी, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता था एंड ही कुड हैव रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज बीइंग हेडेड इन द वेस्ट बंगाल। इस समय वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल। उनके पास 6 महीने का समय है, बेसिकली नवंबर तक का, मई से लेकर नवंबर तक का उनके पास समय है। अगर उसके बीच में बायपॉल्स नहीं होते हैं तो फिर उनको बेसिकली रेजिग्नेशन देना पड़ेगा एंड समबडी एल्स विल टेक ओवर, हाउ दैट विल कम, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो रिपोर्ट्स आती हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन की या किसी और की, यूपीएससी की, सॉरी स्टेट पीएससी की जो रिपोर्ट होती है, वो दोनों हाउसेज कंसिडर करते हैं। एंड सेकेंड, एनलार्जमेंट ऑफ द स्टेट पीएससी। अगर स्टेट पीएससी की जो ज्यूरिसडिक्शन है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के होते हैं उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको जब एनलार्ज किया जाता है तो उसमें हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिल वो भी पास करते हैं आराम से, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप देखें अनइक्वल में, मनी बिल में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर नहीं है, ना वो अमेंड कर सकते हैं मनी बिल को, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। इंडीड मनी बिल कौन सा बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ही करते हैं, नथिंग सेड। ऑर्डिनरी बिल के अंदर भी अगर हम देखें द पावर एक्चुअली लाइज विद असेंबली, लेट्स बी ऑल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है। काउंसिल जो होती है कैन ओनली डिस्कस बजट। बजट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो जो सारी पावर है वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास या इनके पास नहीं है। इट कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी असेंबली नॉट टू दी काउंसिल, तो उसके में इसका कोई स्पेस नहीं होता है। इट डजंट प्ले एनी पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट। ये याद कीजिएगा इसको दोबारा से, अच्छी बात है। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। दोनों हाउसेज है, तो ऐसा हो सकता है कहीं इमेजिन पे आप ह्यूरिस्टिक लगाएं लॉजिकल कि जब उधर दोनों हाउसेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इधर भी दोनों ही करते होंगे, नहीं। ये जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इसमें इन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वोट करती है, नॉट दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई स्पेस नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन असेंबली। पूरा का पूरा राज्यसभा का जो एग्जिस्टेंस है वो लोकसभा पर नहीं डिपेंड करता है। लोकसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देगी कि राज्यसभा एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। असेंबली अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव हो गई। असेंबली ही अगर चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए एक बिल पास कर सकती है, रेजोल्यूशन पास कर सकती है, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी एंड द पार्लियामेंट कैन डू इट विद सिंपल मेजोरिटी, और उसके बाद डन। तो जब जिस चीज़ का पूरा एग्जिस्टेंस ही है तो वो तो मोर और लेस इक्वल है, राइट। राज्यसभा एंड लोकसभा इंडिपेंडेंट है, ओके। उनका खुद का अस्तित्व जो है अपने आप पर है, ठीक है। लोकसभा लोगों के प्रतिनिधियों के लिए है और ये राज्य के प्रतिनिधि, राज्य के इंटरेस्ट के लिए, फेडरलिज्म के लिए बनाई गई है, राइट। तो इसका मतलब इक्वल है, दे हैव इक्वल पावर्स, बस थोड़े में क्योंकि ये प्रतिनिधि है, यहाँ पर चुने हुए लोग डायरेक्टली आते हैं, तो हैंस इट कुछ स्फीयर्स में जहाँ पे लोगों की विल चलना ज़्यादा ज़रूरी है उसमें ये आगे रहती है। बाकी फेडरलिज्म के मामले में ये एब्सोल्युटली इक्वल है राज्यसभा से। काउंसिल एग्जिस्ट ही असेंबलीज के उससे करती है, तो ऑब्वियसली उसके इक्वल हो नहीं सकती है। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर इन लोकसभा इन ऑल स्फीयर्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर्स एंड विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। बस दो ही चीज़ों से, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टेक्निकली लोकसभा से आती है और जो लोगों के प्रतिनिधि हैं उन्हीं के पास हक होना चाहिए लोगों के पैसों को खर्च करने का, बस इसी तरह, और कुछ नहीं है। काउंसिल बहुत क्लियर कट सबऑर्डिनेट है असेंबली के लिए इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, नो डाउट्स अबाउट इट। द प्रीडोमिनेंस ऑफ असेंबली ओवर द काउंसिल इज फुली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हेंस इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल एलिमेंट ऑफ द पॉलिटी। दूसरा, राज्यसभा जो होता है हैज एन होमोजीनियसली, एक होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन है। होमोजीनियस का कहने का क्या मतलब है कि एवरीबडी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट मोर और लेस इट इज द होमोजेनिटी। वेरेज अगर हम देखें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें जो लोग हैं काफी वाइड और वेरिड इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को सिर्फ ग्रेजुएट्स चुन रहे हैं, कुछ लोगों को गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को टीचर्स इलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को जिला परिषद के, जिला बोर्ड के जो लोग हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं, राइट। देयर इज अ वाइड वेरिएसिटी, होमोजेनिटी नहीं है। वेयर इज राज्यसभा हैज अ क्लियर कट होमोजेनिटी, एवरीबडी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। थोड़ा सा मतलब इस पर क्रूरता दिखाई है क्रिटिक्स ने काउंसिल के बारे में, कहते हैं कि इट इज वीक, इट इज पावरलेस एंड इट इज इनसिग्निफिकेंट। The critics have described the council as a secondary, not the second chamber. Okay, second chamber तो अच्छी बात है, secondary कुछ नहीं है ये। Costly ornamental luxury, white elephant, मतलब कि इसका कोई खास रोल नहीं है। So don't worry about it, आपसे बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना भी नहीं है। UPC is definitely not interested, something normal political reasons की वजह से होता है, यहाँ पर इसके अलावा कोई रीजन नहीं है, right? You need the PDF of this chapter. Technically तो आपको नहीं चाहिए, more or less basically we are doing Lakshmikant, but in case you need to connect with me, which trust me on that you should, because I am tremendously interesting on my Twitter or on my Telegram channel. ये मेरा Telegram channel है t.me/AmitKilhor, where you can join me for the notifications and the PDFs of all the classes, ठीक है। इसके अलावा you can also hit me on my social media. And from the lecture number 43, we will start with the high courts, right? We are following the Lakshmikant pattern, so I wish you would be able to guess कि हम अब high court करेंगे, which is technically similar to the Supreme Court, ठीक है? So I would again request you to read the Supreme Court before jumping on the lecture number 43, because वो more or less same है, और जितनी ज़्यादा revision करोगे, उतने ही ज़्यादा prelims में MCQ सही करने की संभावना रहेगी। As far as are we supposed to write comments below the video? No, of course not. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेट्स स्टार्ट स्टडिंग, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स स्टार्ट Feeding, revising, let's go for. There's no need to write comments below the video. Why should you? I'll see you in the lecture number 43. Have a nice day.